पालिश करते हैं सूज। ठीक है, तो मतलब चाचा का हम यहाँ पे कुछ मदद करनी चाहेंगे आर्थिक स्थिति से। देखिए जब भी इस प्रकार के लोग हमें मिलते हैं तो आप लोग अनेकों वीडियो में देखे होंगे कि हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं, तो आज भी हम मदद करेंगे। ठीक है, लीजिए चाचा जी हमारे तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है, कि चैनल जल्दी भाई का ग्रोथ कर जाए। यहाँ पे अनेकों प्रकार के यहाँ पे भाई लोग, आप लोग जानते हैं चिकना की दुकान है, एक तरह से भूजा की दुकान है। ठीक है, और यहाँ पे कितने प्रकार के भूजा मिल सकते हैं आप देख सकते हैं। तो कभी भी इस मार्केट में आइए भाई, चिकना उखना काम लगते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं कहीं भी। चाची कैसे रेट भाई? 20 रुपया केजी है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे खरबूज यानी हिनवाना का क्या रेट है। लोअर टी शर्ट जींस और सब कुछ रखते हैं। कभी भी आप आइए तो इस दुकान को थोड़ा गौर कर लीजिएगा भाई। क्या नाम से है? श्री श्याम ट्रेडर्स। ठीक है, ड्रेस है जिस नाम से इसका इनका शॉप चलता है। ठीक है, कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान लगाए हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? मंटू बाबा के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, हम अब थोड़ा चलेंगे आगे भैया। ठीक है, हेलो भाई, वेलकम माई न्यू ब्लॉग। और अभी हूँ मैं बलिया जिला के अंतर्गत पड़ने वाला सातवार मार्केट, और यहीं पे है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर है ना जी, और बाइक में साइड में आप देख सकते हैं कि दुर्गा मंदिर है। और इसी मार्केट का हम आज ब्लॉगिंग में ये दिखाने वाले हैं कि अपडेट क्या हुआ है। आज से 2-4 साल पहले की बात करें तो ये मार्केट मतलब इतना अच्छा नहीं लगती थी जो कि आज की डेट में लग रही है। सो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और स्टार्ट करते हैं शादी वाला यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम जो कि दूसरा चैनल जो कि BDC टीम और उसके सब मेंबर हैं, ग्रुप हैं सब। ठीक है, और ये ब्लॉगिंग चैनल आप देख रहे हैं TW बलिया है। ठीक है, तो हेलो चाचा जी, चलिए यहीं से दिखाते हैं इस मार्केट का कुछ व्यू और फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए फिलहाल में वहाँ पे है दुर्गा मंदिर। आप जब भी आइए इस मार्केट में तो अनेकों चीज़ मिल जाएगा आपको, वो हर एक सामान मिल जाएगा जिसको एक लोगों की जरूरत पड़े, दवाई बीरो से लेकर फल फ्रूट्स कपड़ा लत्ता सब कुछ। बड़ी मार्केट लगती है यार सतवार में। आप लोग कभी आइए, अगर बलिया जिला में आते हैं तो इस मार्केट को आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए। आइए और घूमिए, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट लगती है। और देखिए ऊपर तक यहाँ पे कपड़ा शॉप है। ठीक है, और यहीं पे एक दांतों का अस्पताल है वहाँ पे भाई, दांतों का अस्पताल काफ़ी अच्छा अस्पताल है। और वहाँ पे कभी भी आपके टूथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आकर दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये है माँ भवानी दुर्गा माँ का मंदिर, और यहीं से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस साइड जाएंगे, अगर 200 या 250 मीटर आगे जाते हैं तो सातवार का जो पार्क है, चैनराम बाबा का पार्क नाम जाना जाता है, सातवार पार्क नाम जाना जाता है, वो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, और इस साइड देख पाएंगे कि कुछ मार्केट में बहुत सारे युवा और पुरुष लोग हैं जो कि खरीदारी करने के लिए आए हैं। ठीक है, और काफ़ी धूप थी यार दिन में, तो दिन में मैं नहीं आ पाया, शाम के टाइम आया हूँ। और शाम के टाइम देख सकते हैं इधर अगर निकलेंगे तो हल्दी से लेकर के बलिया तक जाने वाला रूट पड़ेगा इस लाइन में। ठीक है, और यहीं से हम चलेंगे दिखाते हुए थोड़ा इस साइड में। और यहाँ पे एक आंटी देख सकते हैं कि तरबूज बेच रही है, चूँकि अभी गर्मी का सीजन है तो ये काफ़ी पब्लिक का डिमांड है कि तरबूज किस रेट में मिल रहा है। चाची कैसे रेट बा भाई, बोलिए कैसे रेट बा? 50 रुपया किलो। चीज बताइए जो बेचो तो कम थी 20 रुपया केजी है। आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे खरबूज यानी हिनवाना का क्या रेट है, क्या प्राइस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बलिया जिला में 20 रुपया केजी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी गर्मियों के सीजन में भाई ये चलता है, और खाना भी चाहिए आपको। देख सकते हैं यहाँ पे भी रिंटू रेडीमेड स्टोर है, कपड़ा लत्ता से भाई अनेकों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फल फ्रूट से लेकर के कपड़ा लत्ता यहाँ पे अनेकों सामान मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं छोटी सी गली निकली हुई है जो कि पता नहीं कहाँ तक जाती है, हम कभी गए नहीं है इस साइड में। ठीक है, तो अभी शूट करने आए थे भाई कॉमेडी वीडियो, तो सोचे कि थोड़ा एक ब्लॉगिंग में आपको भी ये दृश्य दिखाना उचित समझे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं कपड़ा वाले भैया। हेलो भैया जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या क्या आप सेलिंग करते हैं? सब कुछ, जैसे कि नमकीन बेचते हैं? नमकीन भी बेचते हैं। देखिए कपड़ा लता बताइए, कपड़ा लता में आप क्या सेलिंग करते हैं ये बताइए? लोअर टी शर्ट जींस और सब कुछ रखते हैं। कभी भी आप आइए तो इस दुकान को थोड़ा गौर कर लीजिएगा भाई। क्या नाम से है? श्री श्याम ट्रेडर्स। ठीक है, ड्रेस है जिस नाम से इसका इनका शॉप चलता है। ठीक है, इधर भी कुछ कपड़े की और कॉपी किताब की दुकानें मिल जाएगी, और इधर देखेंगे तो एक मेडिकल मिल जाएगा। ठीक है, मेडिकल पे उचित दवाइयाँ मिल जाएगी आपको, जो भी सर्दी बुखार गर्मी हो जाएगा भाई, तो कोई भी दवाई इस मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पे एक कॉपी किताब का और दुकान देख सकते हैं जिसका नाम पड़ेगा संतोष बुक सेलर। ठीक है, इस नाम से। और यहीं पर आगे तक और चलेंगे थोड़ी दूर, आगे पुलिस चौकी है जो कि यहाँ से 150 मीटर के करीब पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं भैया? मंटू बाबा जी है, देखिए पान खिलाते हैं भैया जी। कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान लगाए हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? मंटू बाबा के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, हम अब थोड़ा चलेंगे आगे भैया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो इस साइड से आपको दिखाते हुए चलेंगे। और यहाँ पे एक अंकल जी हैं, काफ़ी नाराज लग रहे हैं। ठीक है, इनसे पूछते हैं। चाचा नमस्ते, योगांडा के जंगल से आए हुए हैं ये चाचा। ठीक है,
चाचा कुछ मतलब क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं शूज। ठीक है, तो मतलब चाचा का हम यहाँ पे कुछ मदद करनी चाहेंगे आर्थिक स्थिति से। तो रुकिए, कुछ हम मदद करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग पहले भी देखे होंगे हमारा कई सारा वीडियो जिसमें कि हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और इस वीडियो में भी आप लोग को थोड़ा दिखा दें। भैया निकालिए थोड़ा, देखिए। तो इसी मार्केट में घूमते हुए देखिए, जब भी इस प्रकार के लोग हमें मिलते हैं तो आप लोग अनेकों वीडियो में देखे होंगे कि हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं, तो आज भी हम मदद करेंगे। ठीक है, लीजिए चाचा जी हमारे तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है, कि चैनल जल्दी भाई का ग्रोथ कर जाए। तो इस प्रकार से हम चलेंगे इस मार्केट में और भी जगह पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और भी दुकानें हैं। देखिए यहाँ पे अनेकों प्रकार की, यहाँ पे भाई लोग आप लोग जानते हैं चिकना की दुकान है, एक तरह से भूजा की दुकान है। ठीक है, और यहाँ पे कितने प्रकार की भूजा मिल सकते हैं आप देख सकते हैं। तो कभी भी इस मार्केट में आइए भाई, चिकना उखना काम लगते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, और इसी प्रकार से आइए आगे तक, थोड़ी और चलेंगे पुलिस चौकी तक, वहाँ से जाकर वीडियो को एंड करेंगे। तब तक आप देख लेंगे कि किस प्रकार से है यहाँ का बलिया जिला में पड़ने वाला ये सातवार मार्केट किस प्रकार से लगा है और कितने लोगों की इस टाइम में भीड़ होती है। ठीक है, चूंकि अभी शाम के बजे है 4:40:58, यानी कि 5 बजने को आ गया है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे घी वो शायद लगता है कि मुझे सेलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या सेलिंग होता है भैया, आपकी दुकान है ये, किनकी दुकान है भाई साहब? यहाँ पे कुछ लिखा, अभी देखिए लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार चलेंगे, यहाँ से कुछ चेक कर लेते हैं। घी की दुकान है, ठीक है, घी डालडा वाला जो भी हो, मतलब आप आएंगे तो भाई इस मार्केट में जरूर आइएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छी लगते हैं। और यहाँ पे काफ़ी देखिए, यहाँ तक आएंगे तो कपड़े की मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी, चूँकि अपने टीम के साथ आज आए हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस मार्केट में आकर के। यहाँ से और देखिए 150 मीटर बचा है पुलिस चौक, वहाँ तक चल करके अपना ब्लॉगिंग ख़त्म करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी अंडे सेलर की दुकान मिल गई। ठीक है, देखिए, जो कि नाइट के टाइम में, शाम के टाइम में हमारे जैसे भाई और बुजुर्ग लोग आते हैं और यहाँ पर अंडा उंडा उबाला हुआ खाते हैं, चूँकि गर्मी के सीजन भाई वो कम कर दीजिए जो लोग खाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और, यहाँ पे फ्रूट्स का दुकान है। और ये भैया, ये क्या प्राइस का पड़ेगा अभी इस सीजन में, कितने रुपए? 70 रुपये। ठीक है, चूंकि अभी के डेट में अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत शहर में इसका प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, और हमारे यहाँ बलिया जिला की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 70 रुपये, आप लोग लाइव देख पाए। ठीक है, यहाँ से एक भैया गुजर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा ये सीन देख करके। देखिए यहीं तक है ये सीन। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तो यार ये मार्केट कभी ख़त्म नहीं होने वाली, काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है, तो हम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए पुलिस चौकी कस्बा सातवार जनपद बलिया इस प्रकार से है यहाँ पे, तो यहीं पे अपना ब्लॉगिंग को ख़त्म करेंगे। चलिए अपने टीम के साथ ख़त्म करते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह का ब्लॉग हमारे चैनल पे आता रहता है। और अगर कॉमेडी देखना चाहते हैं तो बीडीसी टीम को सब्सक्राइब करें, जिनका ऑनर भाई लोग हैं, देखिए उतने सारे टीम है, देखिए बीडीसी टीम, उस पर अगर कॉमेडी देखना चाहते हैं तो उसमें जाइए। अगर ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं, ऐसे अपडेट देखना चाहते हैं तो TWF चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।